हेलो एवरीवन, वेलकम टू जॉयज़ वर्ल्ड। होप यू आर ऑल फाइन। आज की वीडियो में मैं प्री प्राइमरी क्लासेस के बारे में बात करूंगी। नर्सरी, केजी 1, केजी 2, क्लास 1, ये सब क्या होती हैं और अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग इन क्लासेस की क्या एज ग्रुप होता है, क्या एज लिमिट होती है, ये सारी डिटेल्स मैं शेयर करूंगी। बिकॉज बहुत सारे पेरेंट्स को कंफ्यूजन होता है मैंने एज लिमिट पे, और नर्सरी एडमिशन से रिलेटेड, प्री प्राइमरी एडमिशन से रिलेटेड और भी वीडियोज बनाए जिसमें मुझे काफी कमेंट्स आते हैं। और स्पेशली केजी 1 केजी 2 से रिलेटेड कंफ्यूजन होता है पेरेंट्स को, तो इस वीडियो में मैं वो कंफ्यूजन क्लियर करने की कोशिश करूंगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, और मेरे चैनल पे नए हैं अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें ताकि मेरे वीडियोस के सारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। तो देखिए, इंडिया में क्या है ना, अलग अलग बोर्ड्स और अलग अलग स्टेट्स में जो पैटर्न ऑफ मतलब क्लास 1 के पहले की जो क्लासेस हैं उनका पैटर्न कहीं कहीं पर अलग अलग होता है। इस वजह से पेरेंट्स को कंफ्यूजन होता है। किसी स्टेट का उन्होंने सुना होता है केजी 1, केजी 2 और कहीं पर सिर्फ केजी होता है, तो इसको लेकर कंफ्यूजन होता है और एज को लेकर कंफ्यूजन होता है। तो मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा क्लैरिटी लाने की कोशिश करूंगी कि देखिए नर्सरी कहीं पर देखिए नर्सरी होती है, नर्सरी का जो एज लिमिट है, एज क्राइटेरिया जो है वो 3 प्लस 3 इयर्स का बच्चा हो गया जिस ईयर में, तो उस ईयर उसका एडमिशन नर्सरी में होता है। किन्हीं स्टेट्स में केजी 1 और केजी 2 फॉलो होता है, मतलब किंडरगार्टन 1, किंडरगार्टन 2, या उसे पीपी 1 और पीपी 2 भी कहते हैं। केजी 1 नर्सरी के बाद केजी 1 आती है, उसके बाद केजी 2 आती है। तो 3 इयर्स का बच्चा नर्सरी में होगा, 4 इयर्स का बच्चा केजी 1 में, 5 इयर्स का बच्चा केजी 2 में, देन 6 इयर्स में वो क्लास 1 में जाएगा। नर्सरी, केजी 1, केजी 2, देन क्लास 1। ये पैटर्न फॉलो होता है काफी सारे स्टेट्स में। किसी स्टेट्स का मुझे पता है जैसे महाराष्ट्र, एमपी, छत्तीसगढ़, यहाँ पर इस तरह का पैटर्न फॉलो होता है। नर्सरी, केजी 1, केजी 2, देन क्लास 1। यहाँ पे 3 प्लस नर्सरी, 4 प्लस केजी 1, 5 प्लस केजी 2, देन क्लास 1 में 6 इयर्स बच्चा होगा। और किन्हीं स्टेट्स में केजी 1, केजी 2 नहीं होता है, नर्सरी, केजी, देन क्लास 1, तो उसमें एज लिमिट होती है नर्सरी में 3 प्लस, केजी में 4 प्लस, एंड क्लास 1 में 5 इयर्स। नर्सरी, केजी, क्लास 1, नो केजी 1, केजी 2, सिर्फ केजी होता है। और क्लास 1 में 5 इयर्स का बच्चा क्लास 1 में, जिस ईयर 5 इयर्स कंप्लीट होंगे उस ईयर उसका जो है एडमिशन क्लास 1 में होगा। तो यही डिफरेंस होता है, मतलब किसी स्टेट में 6 इयर्स में बच्चा क्लास 1 में जाता है, किसी स्टेट में 5 इयर्स में जाता है। अब यहाँ पर क्या है, जिन स्टेट में नर्सरी, केजी और क्लास 1 होती है तो वहां पर प्री नर्सरी भी होती है एक क्लास। प्री नर्सरी 2 प्लस बच्चा, 2.5 के 3 के बीच का बच्चा प्री नर्सरी में जाता है, फिर नर्सरी 3 प्लस, देन केजी 4 प्लस, देन 5 प्लस, क्लास 1। तो इस वजह से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। केजी 1, केजी 2 और क्लास 1 जहां पर हो रही है तो वहां पे क्लास 1 में बच्चा 6 इयर्स में जाएगा। जहां सिर्फ केजी हो रहा है, नर्सरी, केजी एंड क्लास 1, तो वहां पे 5 इयर्स में बच्चा क्लास 1 में जाएगा। तो ये स्टेट वाइज डिफर करता है। आपको अपने स्टेट, अपने स्कूल जहां एडमिशन कराना है वहां से आपको इन्फॉर्मेशन लेनी होगी। और केजी 1, केजी 2 को एलकेजी, यूकेजी भी कहा जाता है, लोअर किंडरगार्टन, अपर किंडरगार्टन, या फिर एलकेजी, लोअर किंडरगार्टन, एंड एसकेजी, सीनियर किंडरगार्टन। तो यहाँ पे भी कंफ्यूज नहीं होना, ये सब एक ही क्लासेज हैं। केजी 1, केजी 2, सीनियर, एसकेजी, यूकेजी, ये सब एक ही क्लासेज हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना। आप स्कूल से मतलब जिस स्कूल में जहाँ पे आपकी सिटी जो है वहां से आप कंफर्म करें और कंफ्यूज नहीं होना आपको। मेरे और भी एज क्राइटेरिया से रिलेटेड वीडियोज हैं, वो आप चेक कर सकते हैं कि एज, प्रॉपर एज कैसे कैलकुलेट करनी है, तो उससे आपको और भी क्लैरिटी आएगी। तो आई होप कि ये जो डिफरेंस ऑफ क्लासेस हैं, डिफरेंट नेम्स हैं, इस पर आपको थोड़ी सी क्लैरिटी आई होगी कि क्या होता है ये और क्यों ये डिफरेंस होता है, क्योंकि काफी कंफ्यूजन होता है पेरेंट्स को। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको अपनी स्टेट, अपनी सिटी, अपने जहां पे स्कूल है वहां से आपको थोड़ा सा कंफर्म करने की जरूरत है। तो ये था आज का वीडियो, आई होप कि आपको पसंद आया होगा और आपके लिए यूजफुल होगा। और वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए और दूसरों के साथ शेयर जरूर करिए, किसी ना किसी के ये जरूर काम आएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।